तो मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए, अपना आसन ग्रहण करें और हमारे पहले स्पीकर हैं प्रोफेसर एच एस प्रसाद जी, आपका विषय है ऑन बुद्धिस्ट मेथोडोलॉजी, आप भी मंच पर आने का कष्ट करें। प्रोफेसर रमेश प्रसाद, आपका है पाली परंपरा में रूपा रूप ध्यान भावना, आप भी मंच पर पधारने का कष्ट करें। प्रोफेसर मधुमिता छोटोपाध्याय, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रतीत समुत्पादा इट्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, आप भी कृपा करें। और प्रोफेसर टशी सिरिंग एस जी, आपका एनालिसिस ऑन ऑथेंटिसिटी ऑफ कन्वेंशनल फेनोमेना। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि क्योंकि हमारा ये सत्र 10:30 से लेकर 11:45 तक, नहीं 12:45 तक है, 10:45 से 2 घंटे का है, लेकिन क्योंकि हम वैसे ही 15 मिनट विलम्ब, नहीं हाँ 15-20 मिनट विलम्ब चल रहे हैं, तो इसको उस समय के अंतर्गत समेटने का कष्ट करें। सो आई थैंक द ऑर्गेनाइजर्स फॉर आस्किंग मी टू सिट हियर। जैसा मैं समझता हूँ कि हिंदी में अगर कोई अपना पेपर प्रस्तुत करे तो भी चलेगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो हिंदी बिल्कुल ना समझता हो और अंग्रेजी ही समझता हो, ऐसा मुझे लगता है। तो वो वक्ताओं पर निर्भर है, इफ़ दे वांट टू प्रेजेंट इन इंग्लिश दे मे प्रेजेंट इन इंग्लिश और इन हिंदी। And as Pema Tenjin has said, we have to finish it in time. So I request the first speaker, Professor H.S. Prasad. He is from Delhi and he is retired professor and head of Delhi University Philosophy Department. I request him to present his paper. अध्यक्ष महोदय ने हिंदी की बात, माध्यम की बात करके हमें उत्साहित किया कि हिंदी में ही बोलें। अध्यक्ष महोदय और विशेष अतिथिगण और हमारे वहाँ मित्र, इस संस्था से मेरा तब से संबंध है जब एक कमरे में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अंधेरे में ये चल रहा, कितने वर्ष हो गए, 50 वर्ष, तो हम लोग शिशु थे बीए पार्ट वन में। तो एक बड़ा ही भावुक संबंध है, 47 वर्ष हो गए फिलॉसफी पढ़ते हुए, फिर भी बात न समझ में आए तो क्या कहा जाए कि 47 वर्षों में बुद्धिज्म बौद्ध दर्शन क्यों नहीं समझ में आते। एक घटना मेरे जीवन में घटी पढ़ाई के सिलसिले में, कि जब मैं पढ़ रहा था कि बुद्ध को जब बोधि प्राप्त हो गई, मैं इस पर एक ग्रंथ भी लिख रहा हूँ और उस ग्रंथ का जो टाइटल है वो है सेलिंग अगेंस्ट द करेंट पटिशोधगामी द बुद्धा बुद्धिज्म एंड मेथोडोलॉजी, ये टाइटल है। और इसमें तो हुआ ये कि मैं अपनी पहली वाली पुस्तक लिख रही थी द सेंट्रलिटी ऑफ एथिक्स इन बुद्धिज्म, उसके 7-8-10 सालों पहले हमें ये लगा कि कुछ ऐसी चीज़ है जो सामने नहीं आ पाई, कि बुद्ध की या बौद्ध दर्शन की पूरी प्रवृत्ति है, एक ओरिएंटेशन है, वो एक शब्द ने हमारे लिए, मेरे लिए आंखें खोल दी कि बुद्ध को बोधि प्राप्त हो गई और स्वाभाविक है कि बड़े प्रसन्न थे, संतुष्ट थे, तो शेयर करना चाहते थे किसी से। और उनके दो मित्र जो थे को मेडिटेशनिस्ट अलार कलाम और उद्दक रामपुत, जो उनको छोड़कर चले गए थे, तो उन्होंने सोचा कि वो हमारी बात समझ पाएंगे, उनसे शेयर करेंगे मित्रता। पता चला कि दोनों की मृत्यु हो गई थी कुछ ही समय पहले, और करते करते तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं
देशना नहीं करूंगा, मैं प्रीचिंग नहीं करूंगा। फिर लगा कि प्रीचिंग करनी चाहिए क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण तो बोधि प्राप्त हुई थी। तो उन्होंने कहा अच्छा हम करेंगे। फिर कहा नहीं करेंगे, तो नहीं क्यों करेंगे और करेंगे क्यों, ये दो प्रश्न उठते हैं। करें करना इसलिए चाहिए कि दुख जो है एक विषय है, उसको फिलोसोफ अंग्रेजी में कहें कि उसको फिलोसोफाइज करना चाहिए उसको, तो दुख की समस्या एक्सेप्ट, मेटाफिजिक्स नहीं, कोई एपिस्टेमोलॉजी अभी नहीं, कोई फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज और कुछ नहीं। तो यह है कि टू फिलोसोफाइज द इशू ऑफ दुख, ये पहला विश्व में कोई लिया। दुख तो सब जगह विषय है लेकिन उसको फिलोसोफाइज करके उसको केंद्र में रख करके उसको करना चाहिए। और करें कैसे, तो फिर उन्होंने कहा कि जो मेरा मार्ग है, जो हमारी बोधि है, वो तो पटिसोतगामी है, कोई समझेगा नहीं, और जब नहीं समझेगा तो देशना होगी नहीं, क्योंकि सारा विश्व जो है अनुसोतगामी है। कि नदी में अगर नाव एक जा रही है विपरीत दिशा में जा रही है तो हर बार जो है लगातार आपको नाव खेनी पड़ती है, कोई क्षण नहीं है जिसमें आप जो है आलस कर सकते हैं, कोई ब्रेक नहीं दे सकते। और वो भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ऋषिकेश में जो धारा गिरती है नदी की, गंगा की, इतनी तीव्र, उसमें केवल एडवेंचरिस ही जा सकता है, उलट पुलट करना यानी डूबने का इतना खतरा है, और बाकी नाव जो है आराम से धारा के साथ चल रही है, धारा ले जा रही है। तो पटिसोतगामी जो है, हमने सोचा कि पटिसोतगामी, फिर उसको वर्षों से पढ़ने लिखने के बाद किताब में एक चीज ये थी कि हर क्षेत्र में पटिसोतगामी है। इतना कठिन काम, उदाहरण से ले लीजिए, चलिए किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक कर गया और कांवरिया के लोग जो है दोनों सड़क के दोनों तरफ चल रहे हैं, करोड़ों में चाहे लाखों में, और आपके पास गाड़ी भी है या एम्बुलेंस भी है, और किसी को हार्ट अटैक कर गया तो कैसे ले जाएंगे, दोनों तरफ से हॉस्पिटल इधर भी है, हॉस्पिटल इधर भी है, लेकिन चलेंगे कैसे, क्योंकि एक दिशा में सारी भीड़ चल रही है, हमको दूसरी दिशा में चलना है, या उसको किस तरह से पार करें, ये बुद्ध की समस्या है मेरे हिसाब से। और इसके ये अनुकूल गामी है, अनुसोतगामी है, हमको पटिसोतगामी करनी है। तो मैंने देखा कि जितनी विधाएं निकली भारतीय दर्शन में, उस सबके विरुद्ध चलना है। विरुद्ध कोई ऐसा नहीं कि उनको घृणा थी, बल्कि ये देखा कि दुख की समस्या के बारे में हमको, तो उसमें चाहे जितनी बौद्ध दर्शन की मेटाफिजिक्स बनी, चाहे जो भी बनी, चाहे एपिस्टेमोलॉजी बनी, फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज बनी, जितनी बनी वो सब जगह पटिसोतगामी मेथोडोलॉजी लागू होने लगी। मैंने ये देखा कि तो बड़ा कठिन है, हर जगह आपको टक्कर मारनी है, कितना जगह टक्कर कोई मारेगा, इतना विस्तार से मारेगा और हजारों सालों तक की चीज है। दूसरी बात हमको ये आई कि ह्यूमैनिटी का कंसेप्ट क्या है, ब्रह्मन है, आत्मन है, चाहिए है, वो है, ईश्वर है, क्या क्या सब कुछ है, और उसके उसमें जो है दुख खो जाता है। प्रॉब्लम यहां है, सॉल्यूशन कहीं और है, कोई देता है इनके लिए, प्रॉब्लम यहां है, सॉल्यूशन यहीं है, इसी जगत में है। और दुख के लिए उत्तरदायित्व किसका है, स्वयं व्यक्ति का है। और वो कैसे करेगा, तो वो स्वयं अपने एफर्ट से करेगा, अत्यकार से करेगा, स्वयं का है। एक स्वयं का एलिमेंट ना जाए इसमें, न तो कृपा है किसी की, न तो किसी की अनुकंपा है, चाहे ईश्वर हो, चाहे ब्रह्म हो, चाहे आत्मा हो, चाहे किसी का नहीं, चाहे कुछ नहीं, सब कुछ है। और इसी अर्थ में उन्होंने कहा कि मैं तो मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता तो हूँ, मोक्ष तो आपको लेना है, मैं तो मार्ग बता सकता हूँ, बस मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये हुआ कि एक हमको खोजने में लगा कि ह्यूमैनिटी के कंसेप्ट को खोजने में इतनी ज़्यादा मेटाफिजिक्स, इतनी ज़्यादा एपिस्टेमोलॉजी, पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं, विशेष करके मेटाफिजिक्स, कि मनुष्य के स्वरूप को समझने के लिए आदमी खो जाता, मनुष्य वास्तव में है क्या। उपनिषदों में कहा गया है, जिसका मैं सम्मान करता हूँ, बड़ा हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, कि को अहम, मैं कौन हूँ, तो मेटाफिजिकल सेंस में लगता है कि जो आत्मन और ब्रह्मन का तादात्म्य है वो मैं हूँ, यानी मैं वैश्विक पुरुष हूँ। चलिए यहाँ क्या बनेगा,
अनिसोत पटिसोत गामी में। तो मैंने एक सोचा कि एक चीज है, तो मैंने ये देखा कि आपको मेटाफिजिक्स लगाए बिना कैसे चलेगा। तो मैंने एक फ्रेज बनाया, कम्युनिटी ऑफ सफरर्स। ये सफरर्स की कम्युनिटी है, काफी सेकुलर है, प्रॉब्लम बेस्ड है, फोकस्ड है सफरिंग पर। तो ये ने बहुत लोगों ने सराहा है, दो बातें विश्व में तमाम लोगों ने बहुत सराहा, लेकिन कई लोगों ने ये किए कि आप इसको विस्तार कीजिए। तो वो विस्तार अब प्रारंभ हो गया है, लेकिन विस्तार में ये है कि जैसे कहते हैं देर आर, हम ये कहेंगे देर आर एज मैनी फिलोसफी एज देर आर वेज ऑफ डूइंग फिलोसफी। आप जितनी विविधता देखते हैं हर के डिफरेंट वेज है, पद्धति अलग है, मेथोडोलॉजी अलग है। आप एक मेथोडोलॉजी बदल दीजिए, अपने बदल दिए, उसका जो है सिद्धांत बदल जाता है। तो आप क्या रास्ता अपनाते हैं? अगर पटिसोतगामी रास्ता अपनाते हैं तो सारी की सारी जो है जितनी अप्रोचेज है, और क्या कंसिस्टेंटली उन्होंने बौद्धों ने और उसने उन्होंने किया वो सारी चीजें। तो मेथोडोलॉजी, हमने कहा कि ये तो मेथोडोलॉजी तो ले रहे हैं, खिचड़ी पका रहे हैं, कोई दिशा नहीं मिल रही है, तो मेथोडोलॉजी पर ही क्यों ना काम किया जाए। तो उस मेथोडोलॉजी में आप देखिए, आपके पास वो पुस्तक आप बता दीजिएगा, क्योंकि फिलोसफी या फिलोसफी वाले को पता नहीं चलता, बोध नहीं होता कि वो बड़ा अज्ञानी होता है समय के बारे में। हालांकि पीएचडी मेरी समय पर है, टाइम पर है, फिर भी मैं नहीं समझ पाता कि टाइम है, जरूर रोक लीजिएगा उसके साथ। तो क्योंकि बहुत सी चीज़ें कहने लायक है, और 20 मिनट में तो एक कहावत है कि हड़बड़ी की विवाह कंठपट्टी सिंदूर, एक भोजपुरी में कहावत है कि दूल्हा बहुत जल्दी में था कि भाई हमारी शादी हो जाए, बड़ी मुश्किल से तो हो रही है, उसने सिंदूर मांग में डालने के बजाय उसने हड़बड़ी से कनपट्टी में डाल दिया। तो ये खतरा है इस लेक्चर का। तो मैंने ये देखा कि अलग अलग मेथोडोलॉजी है, एक तो फिलोलॉजिकल मेथोडोलॉजी होती है, बुद्ध का देखिए बहुत प्रवचन देते हैं चाहे देशना देते हैं, और साइलेंस भी है, साइलेंस से ही उनके 10 या 14 प्रश्न उठते हैं, और अधिकतर प्रश्न जो है चतुष्कोटि में आते हैं, और वो साइलेंस मेंटेन कर देते हैं, चुप। तो जो विरोधी थे उन्होंने कहा तो बड़ा अज्ञानी है, बेकार के पाखंडी है, तो जवाब ही नहीं दे सकता। किसी ने कहा कि नहीं, चुप रहने में एक डायलेक्टिक है, और 4 मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन है, अस्ति है, नास्ति है, दोनों है या दोनों नहीं है, को मिला करके जो रेशनलिटी है, उस रेशनलिटी के 4 मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन है, और उसमें जो है एक दूसरे से लड़ते हैं, और इंटरनल भी है, एक अपने आप में रोग है, इंटरनल जो इनकंसिस्टेंसी है, और कई दृष्टियों से, तो सर्वदृष्टि शून्यता निकाल दी। एक और शब्द मिलेगा दिट्ठी राग, कि राग तो है, जैसे मान लीजिए किसी तरह जगत के प्रति हमारा राग है तो ठीक, एक राग है, लेकिन दिट्ठे के प्रति राग होती है वो बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि एक ह्यूमैनिटी के ग्रुप को वो रिप्रेजेंट करता है, और वो जो इंटॉक्सिकेंट हो जाता है। तो एक शब्द मिला दिट्ठी आसव, इंटॉक्सिकेंट है, दिट्ठी का आसव जो है बड़ी खतरनाक है, और जितनी दृष्टियां हैं वो दिट्ठी आसव में बदल जाती है। तो कैसे किया जाए? तो कुल मिलाकर के ये लगा कि मैं समझ नहीं आता, समस्या तो लग रही थी, कंफ्यूज लगता है। इस तरह करते 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 जो दृष्टि है, सर्वास्तिवाद कैसे करता है, स्वतंत्रांति कैसे कर सकता है, उसके बाद से माध्यमिक कैसे करते हैं, माध्यमिक इन सब में आपस में भी भेद है, योगाचार में गए, योगाचार में भी थे, तमाम तरह की चीज़ें थी। योगाचार पढ़ करके इतनी राहत मिलती है कि कैसे जो है 8 विज्ञानों को ले करके, कंप्लीट ले करके, और आप जानते हैं कि चरवाक का छोड़ करके अधिकतर दार्शनिक चाहे रियलिस्ट हो तो भी जो है इंटरनल एक, क्योंकि 2 दिशाओं में हम जाते हैं कि विश्व हमारे सामने आ रहा है और आंखें खुली हुई हैं, इसमें 200 लोग बैठे हुए हैं, सभी लोगों हमारे ज्ञान में आ रहे हैं, हमारी अनुभूति में आ रहे हैं। तो एक तो है कि आप अपने को कैसे मुझे प्रेजेंट कर रहे हैं, और एक है प्रश्न कि हम कैसे आपको रिसीव कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन तो एक तरह है कॉग्निटिव, हम कैसे रिसीव कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट चीज है, कि हम जगत जो हमारे अंदर समाहित हो रहा है हमारे अनुभव में, हमारे ज्ञान में,
उसको हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे कुकिंग करते हैं। तो मैंने देखा किचन का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि किचन में जो रॉ मटेरियल्स आते हैं, और जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण देते हैं, कैसे कहें कि आपने किसी ने कहा कि प्रसाद जी चलिए आपको जो है यहाँ ताज होटल है, क्या खाना मिलता है। और खाना मिलता है तो ऐसे होटल में जाइए जहाँ 10,000 की थाली हो, 5,000 की थाली हो, तो इतना बढ़िया कंड्यूसिव एटमोसफियर, धीमी लाइट है, सारी चीज़ें सब कुछ है, बहरा इतना साफ सुथरा होता है जितना कस्टमर नहीं साफ सुथरा होता, टोपी लगाया होता है, एक बाल भी न गिरे, सारी चीज़ें सही। चलिए आप बहुत परिचित हैं, आपके मेहमान बैठे हुए हैं, तो कभी इच्छा हुई कि इतना स्वादिष्ट भोजन बनता कैसे है, कैसे बनता है, तो क्या करेंगे, तो उन्होंने सोचा कि जरा किचन में चलकर देखें कि वास्तव में खाना बनता कैसे है। तो उसने देखा कि भाई हमने देखा है शादियों में बहुत पहले कि एक मजदूर जो है अपना हवाई चप्पल निकाल के धूल लगा हुआ है, वो 50 किलो आटे में कूद जाता है, वो आटा गूंथता है, कि महिलाएं घर में तो आधा किलो में ही अंगूठी निकाल करके हाथ दुख जाता है गूंथने में, 50 किलो क्या करेगा, तो अपना चप्पल निकाला, कूद गया, पानी डाला, बन गया। फिर देखें कि मूली जो हमने देखा कि बरसात में नाली कंपनी आंखों से देखा है 2 सालों पहले, जो सीवर का वाटर जा रहा है उसमें नाइट्रेट वगैरह कौन कौन गैस होता है, उसमें मूली एकदम धूल कर चमकने लगती है, अदरक चमकने लगता है, और जब मार्केट में आता है तो खरीदते समय हम तोड़ कर देखते हैं कि वो फैसिनेट करता है। तो किचन में देख रहे हैं मक्खियाँ हैं, हड्डा है, पीलिया है, उसको छान छान कर जलेबी बनाते हैं, और खाने वाला खा रहा है, देख रहा है, वो हलवाई निकाल कर ठीक रहा है। तो किचन की जो कुकिंग है और किस तरह प्रोसेस होकर के मटेरियल आ रहा है, कहाँ इंक से आ रहा है, धान से आ रहा है, उसे आ रहा है, चावल आ रहा है, सब्जी आ रही है, कहाँ से कैसे आ रही है, और कुक जो है कैसे बनाता है, तो माइंड कुक है कि जितने इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं आपके उसमें देंगे। तो योगाचार में ये कितना खोल करके रखा उसने कि आपको बस आपको देखना है कि आप देखिए कैसे बनता है, अब आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, जो 10 सालों से इतना स्वादिष्ट भोजन ताज होटल में ले आने और हमको अगर आपने किसी बुलाया, क्या स्वादिष्ट है, विश्व में ऐसा स्वादिष्ट नहीं मिलेगा, वैरायटी नहीं मिलेगी, एटमोसफियर बड़ा कंडसिव है, अब वो देखने के बाद क्या होगा, प्रतिक्रिया क्या क्या होगी, क्या मैं ये कहूँगा यार तुमने 2 ही कॉकरोच डाला है, 4-5 और डाल दे भले हमसे पैसा एक्स्ट्रा ले ले क्यों स्वादिष्ट। तो ये कॉजेज हैं और ये कॉजेज एंड कंडीशंस हैं और ये रिजल्ट है, तो आप जोड़ पाएंगे क्या प्रतिक्रिया होगी, यही छोड़ देते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या होगा, इम्पैक्ट कितना पड़ता है। धर्मकीर्ति जी से सम्यक ज्ञान पूर्विका पुरुषार्थ सिद्धि, ये पहला सूत्र है। तो इस आधार पर देखिए कि सम्यक ज्ञान आपको वहाँ हुआ या जो खा रहे इंद्रियों के माध्यम से हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजें चेंज। तो हमने ये देखा कि ये हर जगह टक्कर मारा पटिस्वतगामी का, और बड़ी लिस्ट है जो छपी भी है, और आगे आप मेरे लिए कामना कीजिए कि पुस्तक जो है जीवन के इस एज में शुरू किया है, मैच्योरिटी में के चक्कर में जो है डिले बहुत हो गया लेकिन ये चीज है। तो मैं ये देख रहा हूं कि आप ये इसमें कंटिन्यूटी जो खोजनी है, ये कॉमन है जो हाईलाइट नहीं हुई, पटिस्वतगामी, और पटिस्वतगामी में आप शुरू कीजिए कहीं से, कहां से शुरू करें, 20 मिनट में तो काफी निकल ही गया होगा, बहुत कम में कभी भी घंटी बज सकती है, लेकिन ये कि कंक्लूड ना हो। तो मैंने ये देखा है कि तीन चार बातें जो मैंने जैसा कहा कि अब इसके बाद जो है उसको आपको निर्वाण से जोड़ना है, तो निर्वाण की 4-5 परिभाषाएं हमने ली, तणा खयो ही निबान, संखार खयो ही निबान, कहीं भी लगा दी उपादान खयो ही निबान कह दीजिए, सर्वकल्पना जाल रहितम ही निर्वाणम, और उसके बाद बाकी शून्यता का जो कंसेप्ट है, सारी चीज़ें जो योगाचार में सब चलती हैं, सारी चीज़ें दिखती है। तो मुझे ये लगा कि जो बेसिक जो जैसे धम्म पद में है, मनोपुपंगमा धम्मा एट्सेट्रा, वही चीज़ जो चली आ रही है कि जो आपका टारगेट है, आपके लिए जो टारगेट है वो आपका माइंड ही है, और उस माइंड को ही जो हमारे अंदर है और जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, और इस तरह से एक मेटाफिजिक्स बना करके
एक एपिस्टेमोलॉजी बना के, एक मेथोडोलॉजी बना करके के, एक फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज बना करके, ये सारी चीज़ों को जोड़ करके तब बुद्धिज्म खड़ा होता है। ये चीज़ है। तो मैं ये काम कर रहा हूँ, कितना सफल होऊंगा, और काफ़ी हद तक लोगों ने हमें प्रोत्साहित किया है, और मैं यहीं रुक रहा हूँ। अगर कोई प्रश्न हो तो थोड़ी देर के लिए। धन्यवाद। थैंक यू प्रोफेसर प्रसाद। नाउ कंसीडरिंग द टाइम कंस्ट्रेंट, वी ऑफ कोर्स अलाउ सम क्वेश्चंस, बट ओनली फॉर 5 मिनट्स वी विल हैव डिस्कशंस। सो क्वेश्चंस आर वेलकम, क्वेश्चंस और कमेंट्स, ओनली द रिक्वेस्ट इज टू बी ब्रीफ, दैट्स ऑल। माइक। लेट मी टेल यू दैट आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी प्रॉपर्ली। ओके, सो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर लेक्चर दैट यू आर टेलिंग लाइक एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड to the internal world, we say internal world in our terminology, say the brain function, brain. Yes. And you are giving a beautiful example that there might be cockroaches in the kitchen itself. So in our terminology, in modern neuroscience, we say there are noises in the brain, and also noise come from the external stimulus. So there are two type of cockroaches, one coming from the external world, one is internal world. So can you elaborate this point? Because this is very frontier research going on in neuroscience nowadays. No, that's, you see, the one thing is that I don't know even ABCD of science, except that I studied up to 12th only, and I did not succeed in a big way, so I shifted to arts. You see, the question is that I'm at the center of the cosmos. Anywhere cosmos, I can center. And I'm being bombarded by the information through my sensory organs. Okay, that's one. And there is another one which is receiving. And between me and the so-called the object, there are different media. And I have the cognitive system, so it's involuntary for me. It's not my choice. If I'm opening my eyes, then I have to. I can't stop myself from seeing. Or if there is a sound, it is there also. And then the mind is, the system is very much there. My birth is very much there. It's not my constitution. But the thing is that the way I'm receiving and the way the object is presenting, in between, you can know better. But impact is there on my cognitive system. And that one is it. For example, suppose in temporal sequence, like a slices, the whole thing is coming in slices, in temporal form, and I'm taking as a continuity. So who synthesizes it out of these sequences or momentary informations? Yogananda, momentary is not the original word, but anyway, in arguments it appears. So that way, then all those things, the structure of that continuum, which is my creation, your creation, cognitive creation, beyond my control, and then my sanskaras, etc., impose on that, and I take it as it becomes referential. Intentionality, you know that. Then I see that one. And I take in this form. And this way, I can never know the reality, which is presenting itself to me. So if I know the entire process, and that's why Buddhism is considered to be a process philosophy. And then I find that all these creations are here, and they don't have any ontological reference. Now, what happens in the brain, only you know here, at least. I don't know how many people, I don't know. But this is the, so this kind of nexus, you can say that the external world or the internal world, my focus is I can't change the external world, but I can change, I transform my internal world through the analysis, through different methods, all these things. And let's say it's a very complicated issue also. I know that I'm not able to say everything in such a... Yes. And I'm very happy that scientists like you, they find that this is, the Buddhists are actually doing a kind of natural science, for example, which is not my field. Any other question, please? Any questions? Sorry.
Mangala Chin, sorry. Please give mic to her. No, no, we want. No, just I'm asking for that. Okay, please. I have just one query, or I would like to have clarification on it. In the last sentence of your explanation just given to him, my little bit doubt is there that we cannot create. But isn't it that we create the entire world also? Because we have also not only thoughts, we have ideas by which we create the intellectual world, express it either verbally or non-verbally in different forms. Buddhist art, architecture, sculpture, painting, that is our creation. Our mind creates it. This is one thing. But same is the case with reference to not the world of artifacts, but even our emotions, because of which we create the relations and the entire web of relations, which can enrich human world. So creation can be from external as well as internal. No, I'm saying that I don't think we are in disagreement, because that takes care of that. That if everything is mind, the structure takes place inside. I don't know the structure like Nyayavaisheshik really is. That structure is there. Substance, properties, their relations, spatio-temporal, sari chije. That is not there. Buddhism doesn't accept this one. Sarvastivad perhaps tried to say something. I'm saying that because this kind of a structuring, and I see the structure, and I feel that the structure is coming from there. It's not. It's a through intentionality, Vishayun Mukta, it imposes that one, and I see it as if this is the first stage of cognitive process, but which is not. So when I go inside, then I feel that all these things are coming, very transformed at the level of mind, because mind receives in what way? And they say in the beginning, I said that in what way you present yourself, in what way I receive it and cook it. I know only the food. I don't know. A cook is inside the raw materials. And then even I don't know raw materials, as a matter of fact. So mind can think only. And that way, then I, through Vishun Mukta, I impose. So I think the mind is creating. Mind is, of course, mind is, that is, mind is creating. Anyway, I mean, there is no more time for this. No, yes. And, you presented mainly Yogacara perspective, I think. Not necessarily. I'm saying that the methodology. When you are saying towards the end. Towards the end, find that the mind is there. And then that you say the arguments, the methodology develops in Buddhism. So the development. Then I find that the in detail analysis of mind can be seen in Yogacara, and which is not separately developing. It is grounded in the earlier, you see. So development is not sudden. They say, मैं जन्म लिया और तुरंत जो है इस उम्र का हो गया ऐसा तो नहीं हुआ. मैं छोटी धीरे धीरे डिटेल्स आते रहते हैं तो वो चीज है आर्गुमेंट बेस्ड बनाना है. थैंक यू. सो आई रिक्वेस्ट द नेक्स्ट स्पीकर नाउ प्रोफेसर रमेश प्रसाद. वो बोलेंगे पाली परंपरा में रूपारूप ध्यान भावना. इस विषय पर सर्वप्रथम मैं तिरतन वंदना करना चाहूँगा. यो कप कटो ही पियप मैं कालंकरों तो अति दुक्कड़ानी खेदंगतो लोकिताय नाथो नमो महाकारुणिक शतस्स असंबुद्धं बुद्धनि सेवितं यं भवा भवं गच्छति जीवलोको नमो अविद्यादि किलेश जाल विध्वंसिनो दमवर शतश गुणे ही यो शील समाधि पैया विमुत्तियान पबुति युत्तो खेतं जनानं कुसलत्थिकानं तमर्यं संघं शीर्षा नमामि. मंचस्थ विद्वजन इस सभा में उपस्थित विद्वान प्रतिभागीगण, मेरा विषय रूपारूप ध्यान भावना है थेरवाद के अनुसार.
पृष्ठभूमि ने प्रवक्ता प्रोफेसर एच एस प्रसाद ने बता दी है। उन्होंने उनका विषय था ऑन बुद्धिस्ट मेथोडोलॉजी। दुख की बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि बुद्ध दुख से पार कराने के लिए ही उपदेश करते थे। वो जो मेथड क्या है, जो बुद्ध का जो मेथड था, यही रूपारूप भावना है। आखिर दुख से हम पार कैसे जाएंगे, वह बताने के लिए जो मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया गया है वही रूपारूप भावना है। अभी नाश्ता के समय में प्रोफेसर वांगचुक दोर्जे नेगी जी ने कहा, एक प्रश्न किया कि बुद्ध कोई एक गाथा कहते थे, एक गाथा के माध्यम से ही वो व्यक्ति अनागामी में पहुंच जाता था। आज कई गाथाओं को एक्सप्लेन करने के बाद भी नहीं पहुंच पाते हैं। नहीं पहुंच पाते हैं उसका कारण वही मेथोडोलॉजी है, वो अभी हम लोग देखते हैं। बुद्ध का जो उपदेश रहा वह मानव कल्याण था। व्यक्ति जन्मता परिशुद्ध होता है, उसमें जब बच्चा जन्म लेता है उसमें किसी प्रकार का राग द्वेष क्रोध मोह अहंकार नहीं होता है। लेकिन ज्यों ज्यों वो बड़ा होता है, समाज परिवार उसके अंदर राग द्वेष भावना डालता है, वह राग द्वेष ही उसका दुख का कारण बनता है। शुरू में अबोध रहता है, उसे समझ में नहीं आता है, परिवार सिखाता है या मैं पिता हूं या माता है या भाई है या बहन है या ऊंचा है या नीचा है, इसके साथ रहो इसके साथ नहीं रहो, यह राग द्वेष उसके अंदर धीरे 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 बढ़ता जाता है। वह अबोध है, उसे पता नहीं है। लेकिन जब व्यस्क होता है धीरे धीरे वह अशांत होता जाता है, दुख उसमें भर जाता है। अब उस दुख से त्राण जाता है, उस दुख से त्राण करने के लिए ही यहां रूपारूप भावना आती है। अब दुख का त्राण कैसे हो, हमने उसको पाला है, हमें ही हटाना पड़ेगा। जैसा कि जस प्रसाद जी ने कहा, तुम्हें ही किच्चंग आतपंग अखातारो तथागता, काम तुम्हें करना पड़ेगा। बुद्ध तो केवल मुक्तिदाता है, मुक्ति का रास्ता पर तुम्हें ही चलना पड़ेगा। अब यह जो अब हमें पूरे स्ट्रक्चर पर जाना पड़ेगा, व्यक्ति है तो व्यक्ति के अंदर क्या है, तो नाम और रूप है। नाम का अर्थ होता है चित्त और चैतसिक, वो ज़्यादा हम अंदर नहीं जाएंगे। नाम का अर्थ हुआ माइंड रखते हैं, मन रखते हैं, और रूप यह शरीर है, यह काया है। शरीर तो शरीर है, हम जो अपने को मलिन किए वह चित्त के कारण किए, मन के कारण किए। मन में हमने राग द्वेष पैदा किया, वही व्यक्ति होता है। कभी वह हत्या करता है तो कभी वह किसी का जीवन बचाता है। तो चित्त में हम जो चीज डालते हैं वह चित्त हमारा वह हो जाता है। तो जब व्यक्ति ज्यादा अकुशल ही डालता जाता है, ज्यादा राग द्वेष ही डालता जाता है, तो उसका जो मन होता है वह दूषित होता जाता है, मलिन होता जाता है, विकारों से भर जाता है। और जिसके अंदर जितना अधिक विकार होता है वह उतना अधिक अशांत होता है, वह उतना अधिक दुखी होता है। अब उसको दुख का पार करना है। अब हमें ये देखना है कि व्यक्ति का चित्त, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, किसी में कम मल होता है, किसी में ज्यादा मल होता है। तो मलिनता के आधार पर
विकारों के आधार पर चित्त को चार स्तर बताए गए हैं, जिसको कामावचर चित्त, रूपावचर चित्त, अरूपावचर चित्त और लोकोत्तर चित्त कहा जाता है। कामावचर चित्त का अर्थ हुआ, काम का अर्थ होता है इंद्रिय सुख की इच्छा, अवचर का अर्थ होता है विचरण करना। जब हमारी इंद्रियां इंद्रिय सुखों की इच्छा में विचरण करता है तो वह चित्त कामावचर चित्त कहा जाता है। हमारे पास छह इंद्रियां हैं, चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय और मन, और उसके तदनुरूप हमारे जहाँ इंद्रियां काम करती है उसे आलंबनिया विषय कहते हैं। तो छह विषय हैं, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पृष्टव और धर्म। जब भी इंद्रिय के संपर्क में वो आलंबन आता है, जैसे चक्षु के संपर्क में अगर रूप आता है तो अगर अनुकूल लगता है तो राग पैदा करता है, तो प्रतिकूल लगता है तो द्वेष पैदा करता है। यह अनुकूल अप्रतिकूल हमने बना दिया है। जितना अनुकूल हम बनाएंगे उतना अधिक राग पैदा होगा, जितना प्रतिकूल बनाएंगे उतना अधिक दुख पैदा होगा। सहसंग पीपियंग दुखंग पी सहसंग, सतंग पीपियंग दुखंग पी सतंग, एकंग पियंग दुखंग पी एक में, नथी पियंग दुखंग पी। हजार अगर प्रिय बना लिए तो दुख भी हजार होगा, सौ प्रिय आपने बनाया तो दुख भी सौ है, एक प्रिय आपने बनाया तो प्रिय तो दुख भी एक ही है, और कोई प्रिय नहीं है तो दुख भी नहीं है। लेकिन हमने तो प्रिय बना दिया, राग द्वेष पाल रखा है, तो अचानक वो राग द्वेष हटेगा नहीं, क्योंकि चित्त का स्वभाव होता है चंचलता। फंदनंग चपलंग चित्तंग दुखंग दुन्निवारियंग, चित्त जो है चंचल और चपल है, उसकी रक्षा करना बड़ी कठिन है, उसका नियंत्रण करना भी बड़ा कठिन है। तो अब यह क्यों होता है, आखिर यह चित्त चंचल क्यों होता है, अकारण कोई घटना नहीं घटती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। मन हमारा चंचल है तो उसके पीछे भी कोई कारण है, उस कारण को बौद्ध भाषा में, बौद्ध पारिभाषिक शब्दों में निवरण कहा गया है। यह संख्या में पांच है, काम, छंद, व्यापाद, थीन, मीद, उदच, कुकुच और विचिकित्सा। यह पाली का टर्म है, उसको व्याख्या थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। काम छंद का अर्थ हुआ इंद्रिय सुख की इच्छा, व्यापाद का अर्थ होता है द्वेष, थीन मिद का अर्थ होता है आलस्य, उद्धत कुकुच का अर्थ होता है चित्त की भ्रांतता, मन का भटकाव, अविचिकित्सा का अर्थ होता है शंका संदेह करना। ये पांच कारक हैं जो मन को इधर उधर भटकने में सहायक करते हैं, इनके कारण ही हमारा मन भटकता है, जिसके कारण हम दुखी होते हैं, हमारा मन अशांत रहता है। अब यहाँ से अब हम शांत करना चाहते हैं, तो शांत करने के लिए फिर ध्यान भावना की आवश्यकता पड़ती है। दो प्रकार की ध्यान भावना बताई गई, रूप ध्यान भावना और अरूप ध्यान भावना। पहले कोई स्थूल पर काम करता है, फिर सूक्ष्म की ओर जाता है। रूप का अर्थ हुआ वर्ण आकार से युक्त आलंबन, जिसका कोई फॉर्म रंग हो, कोई आकार हो, उसे हम रूप कहते हैं। उसी रूपवान वस्तु पर, आलंबन पर जब हम अपने चित्त को एकाग्र करते हैं ते उसे हम रूप समाधि या रूप ध्यान भावना कहते हैं। तो अब ये एकाग्र होगा कैसे, कहने से तो होगा नहीं, मन तो हमारा भटक रहा है। जब तक हम पांच निवरणों को हटा नहीं देते हैं तब तक हमारा मन जो है भटकता रहता है। तो उन पांच निवरणों को हटाने के लिए ध्यान के पांच अंग बताए गए हैं, जिसे प्राविधिक रूप से ध्यानंग पाली में, हिंदी में ध्यानांग कहते हैं, ध्यान के अंग। वे पांच ध्यानंग है
वितक विचार प्रीति सुख और एकाग्रता। वितक का अर्थ होता है वितर्क, हिंदी में कहा गया, चित्त की ओर आलंबन का अभिमुखीकरण, अभिमुख होना। विचार का अर्थ होता है उस आलंबन पर स्थिर हो जाना, हम अपने चित्त को एकाग्र करना चाहते हैं। तो वितक हुआ इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट, उस आलंबन की ओर चित्त का हमारा मुड़ना। अविचार का अर्थ है सस्टेनिंग द माइंड ऑन द ऑब्जेक्ट, उस आलंबन पर हमारा चित्त का ठहर जाना। जैसे भौरा फूल पर जाता है तो फूल पर पहले वो मडराता है, तो उसका जो मडराना है वह वितक है, और मडराते मडराते जब वह उस फूल पर बैठ जाता है तो वह विचार हुआ। जब हम घंटी बजाते हैं तो स्ट्राइकिंग द रॉड इज वितक, और जब रिजाउंडिंग होता है टन सा जो आवाज करता है तो वह हुआ विचार। पीती, जब आलंबन लगता है कि अब हमें ध्यान लगने लगा है, आलंबन को हम प्राप्त करने की ओर लगभग बढ़ चुके हैं, अब हमें आलंबन प्राप्त हो जाएगा। अभी प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन इस प्रत्याशा में खुशी हो रही है कि अब हम उस चीज को प्राप्त कर लेंगे, तो उस प्रत्याशा में जो हमें प्रसन्नता होती है, जो खुशी होती है, उसे हम प्रीति कहते हैं। और जब वह प्राप्त हो जाता है तो वह सुख है। जैसे बच्चा रोता है तो माँ दूध लाने जाती है, बच्चा दूध का बोतल देखकर ही वो चुप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसकी भूख शांत हो गई, क्षुधा शांत हो गई, लेकिन इस आशा में चुप हो जाता है कि अब हमें दूध मिलेगा। तो वह जो अवस्था है वह प्रीति है, और जब बच्चा दूध पी लेता है संतुष्ट हो जाता है, वह सुख है। एकाग्रता, एकाग्रता है वन पॉइंटनेस है। तो इन पांच ध्यान के अंगों के माध्यम से वे पांच निवारण नष्ट हो जाते हैं, और जब वो पांच निवारण नष्ट हो जाता तब व्यक्ति का मन उस रूप आलंबन पर एकाग्र हो जाता है, यही रूप ध्यान है। अब देखते हैं कि व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य जो है वह परम शांति है, निर्वाण है। तो परम शांति को वह प्राप्त नहीं होता है, जो ही ध्यान से हटता है फिर विचलित होता है, फिर परेशान होता है। पहले से तो अच्छा है, कामावचर चित से, इसे हम कहते रूपावचर चित, कामावचर से वह रूपावचर में आया, रूपावचर में वह एकाग्र हो गया मनुष्य का, लेकिन उसको परम शांति प्राप्त नहीं हुई है। अब वह परम शांति की खोज में अरूप की ओर जाता है, जहां ना वर्ण है ना आकार है, उस अरूप आलंबन पर अपने चित्त को एकाग्र करना चाहता है। तो इसके चार स्टेजेज हैं, आकाशानंग च आयतनंग, वियानंग च आयतनंग, आकिंचंग आयतनंग, अन्यो संज्ञा न संज्ञा आयतनंग। पहला हुआ आकाश अनंत, इन्फिनिटी ऑफ स्पेस, आकाश अनंत है जिसका न कोई वर्ण है न कोई आकार है। जैसे रूपावचर, जैसे अभी हम यहाँ फील्ड अंदर हैं, अब इस हाल से अगर बाहर निकलते मन उब गया, जैसे सेशन चला, सेशन जब खत्म होता है तो मन उब के बाहर जाते हैं, तो बाहर जाते हैं तो देखते हैं अनंत आकाश दिखाई देता है। तो अपना जो आलंबन पकड़ता है वह पहला जो आलंबन पर इन्फाइनाइट स्पेस, अनंत आकाश को पकड़ता है, अनवरत ध्यान करता है, ध्यान करते 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 उस अरूप आलंबन जो उसका पहला आलंबन है अनंत आकाश, उस पर एकाग्र हो जाता है। अभी उसको शांति नहीं मिली, फिर आगे की खोज करता है, फिर देखता है अपने अंदर यह अनंत आकाश और कुछ नहीं,
बल्कि वह हमारा विज्ञान है, जो मन है, जो चित्त है, उसी का विस्तार है। तब दूसरा जो आलंबन लेता है वह विज्ञान को लेता है, विज्ञान माने कॉन्शसनेस, इनफाइनाइट कॉन्शसनेस, चित्त की अनंतता को लेता है। क्योंकि हमने ये जो जाना कि आकाश अनंत है, यह हमने चित्त ने कहा कि आकाश अनंत है, इसलिए वह आकाश अनंत नहीं, वह बल्कि वह चित्त का ही विस्तार मात्र है। बस जल्दी सर, जल्दी। अब फिर वहां भी वह रुकता है क्योंकि वह परम शांति की खोज में है। तो फिर तीसरा आलंबन पकड़ता है, तो वह देखता है कि यह जो चित्त को जिसको हमने अनंत कहा, वह भी तो कुछ नहीं है, वह भी कुशल अकुशल धर्मों का केवल संघात मात्र है। कुशल धर्म है, अकुशल धर्म है, एक एक कुशल धर्म अकुशल धर्म को हटाता गया, कहा कि यह तो चित्त जो है कदली का, जो केला का जो पेड़ होता है, तो उसी के छोड़ दे को अंत में कुछ नहीं, या प्याज का तरह है जो एक एक परत हटाते गए अंदर कुछ नहीं। तो अंत में जो पकड़ता है नथिंगनेस ऑफ कॉन्शसनेस अकिंचन आयतन, यह चित्त जो है कुछ है नहीं, बल्कि यह कुशल अकुशल धर्मों का केवल पुंज मात्र है। पहले से अधिक शांत हो रहा है, फिर अंतिम आलंबन को पकड़ता है, वह है नेव संज्ञा ना संज्ञा। नेव संज्ञा संज्ञा नहीं है, नाइदर परसेप्शन नॉर नन परसेप्शन, है भी वहां तो कह दिया नथिंगनेस ऑफ कॉन्शसनेस, तो नहीं है तो क्या नहीं है, तो वहां जो है राग द्वेष क्रोध मोह अहंकार ये सब नहीं है, क्लेशों का मलिंदा का अभाव है, विकारों को हटा दिया है, क्या है शुद्ध स्वरूप में परिशुद्ध अवस्था में हमारा चित्त विद्यमान है। चूंकि व्यक्ति का जीवित अवस्था है इसलिए वह है, चित्त है, लेकिन निर्मल अवस्था में है। तो यह यहीं पर जो उपनिषद में कहा गया कि आत्मा परमात्मा में मिलन, यही है, यह ध्यान की दम अंतिम अवस्था है, चरम परिणति है, यहां ध्यान खत्म हो जाता है। अब जब परम, अब यहां पर परम प्रसिद्धि हो गई उसकी, लेकिन अभी भी उसके बाद ध्यान यहां खत्म हो गया, यहां भी अभी भी उसको निर्वाण नहीं मिलता है, परम शांति नहीं मिलती है, क्योंकि जब तक वह ध्यान में रहता है तब तक तो वह शांत रहता है, ध्यान से जो ही हटता है फिर वह परेशान होता है, तो फिर अपने अंदर 10 विकारों को देखता है जो दबा रहता है, अनुकूल मौका पाकर वह खड़ा होता है, जिसे संयोजन कहा गया। अब हम नहीं जाएंगे उन 10 संयोजनों में, आ गया है कि अब कंक्लूड करना है, तो उन संयोजनों को एक एक कर खत्म करता है और तब वो निर्वाण को प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त करता है। कहने का अर्थ ये है कि जैसा कि नेगी सर ने कहा कि एक बार में बुद्ध जो उपदेश करते थे तो उसको ज्ञान मिल जाता था, तो ये बात नहीं है, उसका ये सर का ही एक प्रश्न है, सर उसी का कर देते हैं। तो उसका जैसा कि सर ने कहा कि किचन में जो है जो देख लेता है तो भाई उसको जो है उससे विरक्ति हो जाती है, तो बस वही चीज है सर, बुद्ध वो दिखा देते थे ये है किचन का, और बाकी जो हम लोग पढ़ाते हैं तो हमें वो क्षमता नहीं है दिखाने की। अगर हमें वो, चूंकि बुद्ध उस स्थिति में पहुंच चुके थे इसलिए वो दिखाने में सामर्थ्य था उनमें, चूंकि हम खुद ही उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं तो दूसरे को क्या पहुंचा पाएंगे। इसलिए अब कितना भी पढ़ाते रहे पढ़ते रहे वो ज्ञान मिलने वाला सर नहीं है, वो काम करना पड़ेगा, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, केवल जपने से कुछ होने वाला नहीं है, हम उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। और इसका ध्यान का एक बहुत बड़ा पाठ समत विपसना है, जिसमें पेमा तेंजिंग जी हैं, रमेश चन्नेगी जी का हम लोग सुनेंगे। धन्यवाद। थैंक यू प्रोफेसर।
Ramesh Prasad ji, and he is from Sampurnananda Sanskrit Vishwavidyalaya. He is heading the Pali and Theravada Buddhism department there. We had a very lucid presentation of the process of meditation according to Theravada Buddhism, from Rupa Dhyana to Arupa Dhyana. I will just invite one or two questions and then we can proceed. रमेश जी, मैं साधारणतया प्रश्न पूछता नहीं हूँ, क्योंकि आपने अपने पत्र प्रस्तुति के क्रम में जो पृष्ठभूमि तैयार की उसने कई प्रश्न को जन्म दे दिया है मेरी दृष्टि में. पहला, आपने कहा कि जो एक बालक है वो जन्म से प्रसूत है, उसमें किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता है. यदि ऐसा है तो नागसेन ने जो मिलिंद प्रश्न में कहा है न च सो न च अन्यो, ये कैसे संभव है? दूसरा, रूप ध्यान और अरूप ध्यान के प्रति अगर आसक्ति हो जाए तो क्या निर्वाण संभव है? तीसरा प्रश्न, फंदनंग चपलंग चित्तंग, ये चित्त का स्वरूप है कामावचर का या सभी प्रकार के चित्तों का, रूपावचर का भी, अरूपावचर का भी और लोकोत्तर का भी? थैंक यू. डॉक्टर प्रसाद जी को धन्यवाद. बहुत आपने अच्छे ढंग से पाली परंपरा से जो व्याख्या की है. मेरा दो प्रश्न है आपसे. एक रूप अरूप, रूप का कोई लक्षण दिया है पाली में, और आपने जैसे अभिधम्म कोश वगैरह में 20 प्रकार के रूप है आकार और रंग का, और तीसरा लास्ट में आप जा करके आपने निर्वाण की बात कहें, तो आपने निर्वाण के विषय में ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया. सोपाधिश निर्वाण है, निरुपाधिश निर्वाण है, अप्रतिष्ठित निर्वाण है. तो इन तीन निर्वाण मिलने के बाद व्यक्ति का मन क्या हो जाता है? नित्य होता है, अनित्य होता है, कौन सा सुख उनको प्राप्त होते हैं, इस पर भी आप थोड़ा सा पाली परम्परा की दृष्टि से बताने का कष्ट करें. बहुत आपने जो ढंग से बताया है. अभी ये रूप का जो है लक्षण है, जब तिब्बती शास्त्रों में लिखा है, इसको कहते हैं जुक्सु रूंगा जुग की छन्यत. जुक्सु रूंगा मतलब ये होता है जो ये रूप का योग्य रूप है, जिसको नाश किया जा सकता है. रूप को नाश किया जाता है, चाहे रंग का रूप हो या आकार का रूप हो. क्योंकि आजकल देखें आधुनिक युग में हथियारों के द्वारा चट्टान, बड़े से बड़े चट्टानों को नाश कर देते हैं. तो उसी तरह जुक्सु रूंगा जो है ये वो उसका लक्षण है रूप का. पाली में किस तरह से दिया होगा, मैं समझता हूँ ये सब तो एक बेसिक चीज़ है. मायान पाली में कोई फर्क नहीं है. और निर्वाण के विषय में आपने थोड़ा सा व्याख्या नहीं किया. निर्वाण की अवस्था में क्या हो जाता है व्यक्ति का? खत्म हो जाते हैं चित्त और जड़ और चेतना दोनों खत्म हो जाता है, क्या होता है इसके विषय में जरा बोलते हैं वो निर्वाण की अवस्था में. और ये उनके पेपर में वो विषय नहीं है अंतर्भूत, इसलिए ये तो सर कहना तो चाहता था लेकिन सर नहीं रोक दिया. न तो एक आध लेक्चर और हो जाएगा निर्वाण पर ही. जैसा कि डॉक्टर सत्येंद्र नाथ पांडेय जी ने कहा कि न चो सो न चो अयो, यानी या वही है या वह अलग हो जाता है. मिलिंद और नागसेन का यह संलाप है. और इसके साथ जो मैंने जो कहा था कि बच्चा जन्मतः परिशुद्ध होता है, तो यह न चौसो न चौअयो कैसे होता है आपका प्रश्न है. मुझे तो लगता है कि इसका इससे का साथ कोई संबंध ही नहीं है. इस प्रश्न का कि बच्चा जन्म लेता है और या वही रहता है या कोई अन्य हो जाता है, इससे कोई हमें नहीं लगता है कि उसका प्रत्यक्ष संबंध है. न चौसो न चौअयो को मैं थोड़ा बता दूं. न चौसो न वही रहता है न अन्य हो जाता है. जैसे दूध और दही मक्खन का उदाहरण, घी का उदाहरण नागसेन ने दिया. दूध से ही दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है. दूध जब दही हो जाता है ना वही है ना अन्न है, अलग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूध अगर दूध नहीं है तो दही भी नहीं बनेगा, दही नहीं है तो मक्खन भी नहीं बनेगा, मक्खन नहीं है तो घी नहीं बनेगा. इसलिए हर चीज़ परिवर्तनशील है, प्रतीत समुत्पाद प्रतीत समुत्पन्न है.
हर क्षण वो परिवर्तित हो रहा है। दूसरा, आपने कहा कि रूपावचर और अरूपावचर में अगर आसक्ति पैदा हो जाए तो वो निर्वाण प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा, या क्या ऐसा आसक्ति होती है? आसक्ति होती है। जब वो आसक्ति, 31 लोक की बात की गई है बौद्ध धर्म में, तो जब आसक्त, इसलिए मैंने आगे बता संयोजन, अरूपावचर के बाद उसको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। 10 संयोजन है, सकाय दिट्ठी, विचिकित्सा, सीलबत्त परामास, कामराग, पटीघ, रूपराग, अरूपराग, मान, उदच और अविज्ञा, ये 10 संयोजन है। इन 10 संयोजनों को काटने के बाद ही व्यक्ति को निर्वाण मिलता है और परमानेंट जो अस्थाई शांति कहते हैं वह मिलता है। उसके पहले अरूपावचर अवस्था, जब तक वो ध्यान में रहता तब तक वो शांत है, ज्यों ही ध्यान से हटता है फिर उस संसार इस लोक में आता है, फिर वह बेचैन होता है, फिर वह परेशान होता है। इसलिए उसके बाद 10 संयोजनों को उसको काटना पड़ेगा। वो ध्यान का चीज़ नहीं है, वह काटना है, वो अलग चीज़ है। ध्यान की वो अंतिम अवस्था है, जब तक ध्यान में है तब तक वो शांत है। हाँ, टेसी पोलजोर जी का था कि निर्वाण, तो निर्वाण नित्य है कि अनित्य है? तो निर्वाण तो वही है जैसा कि कहें दीपक जला दिया तो दीपक जल गया, तो जल के खत्म हो गया तो खत्म हो गया, न नित्य है न अनित्य है, वो इस लोक से वो गया और निर्वाण कुछ है नहीं। जब तक है राग द्वेष है तब तक व्यक्ति है, जन्म लेगा वो घूमता रहेगा। जब वो राग द्वेष खत्म हो गया, नष्ट कर दिया, वो क्रिया मात्र केवल है, वहाँ प्रतिक्रिया नहीं है। तो क्रिया जब तक वो चल रहा है तब चल रहा है, ना अभिनंदामी जीवितंग ना अभिनंदामी मरण। ठीक है, धन्यवाद। नहीं, अभी समय बहुत हो गया है, इसलिए मैं अगर कोई और भी प्रश्न है और जरूर हो सकते हैं बाद में पूछ लेंगे, बाद में चर्चा करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी। सो आई विल आस्क द नेक्स्ट स्पीकर नाउ, प्रोफेसर मधुमिता चट्टोपाध्याय, शी इज फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड शी इज ए प्रोफेसर ऑफ प्रोफेसर देयर एंड शी ऑल्सो रन्स द एडवांस स्टडीज इन बुद्धिस्ट स्टडी, एडवांस बुद्धिस्ट स्टडीज सेंटर। गुड डे एवरीबॉडी। एट द बिगिनिंग ऑफ माय लेक्चर आई वांट टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स, स्पेशली प्रोफेसर सामतेन, प्रोफेसर डॉक्टर पिम्पा दुर्जे एंड प्रोफेसर नेगी फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस सेमिनार which is organized by CIHTS. It is a sort of homecoming to me. I feel privileged to have as the chairperson Professor Gokhale and as co-speaker Professor Prasad and Professor Mongola Chinchore in the audience, all of whom I consider to be my teachers since I have started my journey in the area of Buddhist studies by reading the books written by them. Seeking the blessings of all my teachers, I will start my presentation entitled Doctrine of Pratitya Samutpada Through the Ages. In my presentation, I have tried to show how this theory had undergone changes in the different periods with the development of different Buddhist schools. Let us first start with some verses which eulogize Lord Buddha as the propounder of this doctrine. The first of these verses has already been recited by Professor Negi in the inaugural session. Yah pratitya samutpadam prapanchapa samam shivam deshaya masa sambuddhas tong bande vadatambaram. I salute him, the fully enlightened one, the best of speakers who preached the dependent arising, the appeasement of obsessions and the auspicious. This is the first verse of the Mula Madhyamaka Shastra. And the second verse is, Yang gatva bhaso manasya hi apurve gyano deshani pratityat padam aggayo deshakam naomi tang jinam. I bow down to the victor, the peerless knower and teacher who has seen and expounded the dependent origination. This is from the Pratitya Samutpada Stuti Shubhasha Hridayam of Acharya Sankhapa, which book has been edited by Namdal
and translated by Namdol and something under the supervision of Professor Ram Shankar Tripathi and published from this institute. Yavat vipat tayo loke avidya tan mulam uchyate sa pratityat pado margoyam drishtva sa nivartate. Pratityat pado margoyam bhavata shasanasyato marmoivo nadhi gammeto preksha vadvi katantada. Evam bhutecha te natha pratityat pado deshanat rite mukhang stute koishyed. Bhutam kim avapyate. Now, thus we find these eulogies indicate that the doctrine known as Paticca Samuppada in Pali and Pratitya Samuppada in Sanskrit constitute the foundation on which the entire superstructure of Buddhism is built. Ananda, considered to be the one of the greatest soulmate of Lord Buddha, regarded the doctrine as wondrous, acharya, and marvelous of Bhutam, since it expresses in one word the entirety of what the Venerable Lord intends to say. Acharyam vante, abhutam vante, yatra hi namo ekeno padeno, sabbo atro butto bhavishyati. Now, all these eulogies indicate how the Buddhist, from the time of Ananda to Tsongkhapa in the 12th or 13th century, have looked upon the doctrine of the dependent origination. Now, why? The question arises to the mind of anyone is why? Why is this doctrine considered to be so important? So, I am trying to find out the background, the reason. Dependent origination is the doctrine accounting for the conditionality of all physical and psychical phenomena. It was needed to avoid the two extreme notions of one, number one, an everlasting, omnipresent, eternal self or Atman, along with its consequence of absolute determinism, and number two, of Shabhava and its consequence of chaotic indeterminism. With the help of Pratitya Samuppada, doctrine of Pratitya Samuppada, it had been possible for Lord Buddha to show that the self is nothing but an uninterrupted flow of different physical and psychical phenomena of existence, which are all conditional in the sense that they have a dependent nature. So, the doctrine of Pratitya Samuppada is closely related to the doctrine of Anatma or Nairatma, as you say. Because the Nairatma, according to the doctrine of Nairatma, we all know that there is no self. The Buddhists do not admit any permanent self. So the question arises, if the doctrine of Nairatma is closely related with the doctrine of Pratitya Samuppada, or the doctrine of Pratitya Samuppada presupposes the doctrine of Nairatma, wherein lies the difference? The difference has been presented very nicely by Yano Tilaka in this quotation. Whereas the doctrine of impersonality or anatta proceeds analytically by splitting existence up into the ultimate constituent parts, into mere empty, unsubstantial phenomena or elements, the doctrine of dependent origination, on the other hand, proceeds synthetically by showing that all these phenomena are in some way or other conditionally related with each other. Now, let us proceed. We know that in Buddhism, there are two formulations of the doctrine of Pratitya Samuppada. Or we may say that the term Pratitya Samuppada may be understood in two different ways. What are they? Number one, when this exists, that comes into existence.
And number two, from the occurrence of this, that occurs. Now, the question is, if both of them mean the same thing, what is the necessity for these two formulations, for these two different formulations? Now, in Boshubandhu's Obhidharma Kosha, we get an explanation. There it has been pointed out that these two different interpretations are given for the purpose of restriction, abodharanartham. That is, the sanskaras or motivations exist when avidya or ignorance exists. But it does not follow from this that sanskaras come to existence because of the existence of ignorance alone. The second one says that it is from the soul arising of ignorance that the arising of sanskaras can occur. So I feel that the second condition, the second avadharana, implies a sense of or contains a sense of necessity, whereas the first may be taken to be a sense of, to be containing a sense of sufficiency. Now let us first look at the Bhava Chakra, which all of us have studied from the very beginning of our Buddhist philosophy classes. These are avidya or avijja, ignorance, sankhara or sanskara, thought construction or impressions, then vijnana or vijnana, consciousness, namarupa, mind and body, sarayatana, six sense organs, fasya or sparsha, contact, from there vedana, feeling, then tanha or trishna, then from there upadana, strong attachment, bhava, desire for existence, and then jati or and then jara marana. Now here we find that the arrow has been given from avidya to sankhara or sanskara, and from there to vijnana. That is, ultimately the arrows are leading towards jara marana. Now this detailed account of arising of one fact as conditioned by the preceding one has been regarded in the Buddhist tradition as anuloma. Whereas it can be considered in the revised order, reversed order also, that is from jara marana, jara marana can be seized when jati or rivart is stopped, and jati or rivart can be stopped when bhava is stopped. And in this way, we can also proceed. That is, the conditioning can also be looked at in a reversed order, which in the Buddhist tradition is known as potiloma. Now, understanding that suffering arises through the mutual conditioning of certain specific factors removes the false idea that suffering arises because of the sin done by the individual himself, or because of the anger of some divine being, or out of mere blind chance. Through the correct realization of the process of dependent origination, that actually every event is conditioned by the preceding event, one is able to get rid of the mistaken view of the self. So we can say that in the early period of Buddhism, the importance of the doctrine of dependent origination was recognized neither as an abstract descriptive principle of causality, but it was applied to explain the occurrence of suffering and to show how that process of suffering can be terminated. The 12 links of the causal chain have often been linked with two or three lives of the individual, past, present, and future. Ignorance and motivation are the past causes which give rise to the effects, the consciousness, name and form, sense organs, sensation, and feeling in the present life. Again, the other three links of the present life,
namely desire, attachment, and existence, are the present causes which give rise to future effect, namely birth and old age and suffering. Now, if we interpret the bhava chakra in this way, the consequence will be that in the past there are causes which do not have any other causes, and in the future there is an effect which is not the cause of anything else. That is, this explanation seems to hold that the law of dependent origination does not hold universally or for all time, which seems to go against the spirit of what Buddha said. For without indicating factors before ignorance and factors after old age and death, this theory will amount to hold that samsara has an origin and an end. Boshubandhu, in his commentary on the Abhidharma Kosha, rightly points out that those who have offered such an explanation are actually bewildered by the problem as regards how the present existence can be related with the past existence and our future existence with the present and past ones. But this is what the Sutra wants to teach. All these delusions are destroyed through the right understanding of the dependent origination. Now, when we come to the period of Nagarjuna, there we find that in the very first chapter of his Magnum Opus Mula Madhyamaka Shastra, the chapter entitled Pratyaya Pariksha, the doctrine of Pratitya Samutpada may be looked upon as similar to the other doctrines of causality, like Satkaryavada, Arambhavada, etc., where through his logical method of prasanga, Nagarjuna has stated that na swato, napi parato, na dabhyam, napi ahetuta, utpanna jatu vidyante bhava, kvachana kechana. That is, in saying this, Nagarjuna actually wants to say that when other schools reflect on arising, they think of it either as spontaneous or as from another or from both or at random. But all these conceptions are on reflection unintelligible. Nopapaddate. Nagarjuna in other chapters of the same text uses the notion of dependent origination to show the relative character of worldly things, to show that the goer is dependent on going, the prameyo, that is the objects of knowledge, are dependent on the pramano, that is the means of knowing, and so on, thereby showing that everything in the world is relative. In short, in the text Mula Madhyamaka Shastra, the concept of Pratitya Samutpada has played a dual role. Number one, it is a theory of causality where every object is said to have come into existence by depending on causes and conditions. And number two, it is a way to show the relativity character and consequently shunyata character of phenomenal existence. And I must add that these two roles are not mutually separate. Rather, by showing that every object is dependent on others, Nagarjuna has actually explained that the object is relative, and as such, no object can have an absolute essence of its own, and in that sense, it is shunyata. However, when we go back, when we proceed towards the Yogacara school, we find the Yogacara philosophers try to explain the phenomenal world in terms of the seeds, bijas, which are stored up in the alaya vijnana. For the phenomenal world to come into existence, it is necessary that there must be some causal force which brings about the formation of the seeds for each dharma. But these seeds, even after their creation, will remain stored in the alaya vijnana without being manifested in the phenomenal world unless there is some new force which acts as a stimulus.
So we can say that we can see that in the present there are three things. All of them may be regarded as a cause. These are the seed producing force, then the seed, and this seed stimulus. They all these three act as a cause towards the manifestation of the effect. How many minutes? 1 or 2 minutes. Okay. So, this manifestation of the effect is the future, whereas the remaining three, they are holding to be the in the present. In the Abhidhamma text, that Vijnanakaya, abstract causal relationship was being addressed for its own sake and not as a part of the discussion of dependent origination. In other words, from this stage, the relation of dependent origination gradually became subordinate, the leading role being played by an independent consideration of causal relationship. Later development, I am jumping. In the later development, in philosophy of Dharmakirti, we find that he had emphasized on the general notion of causal efficiency, arthokriya shakti or arthokriya karitva, and applied it as a criterion for reality. This arthokriya karitva is actually a development of the notion of karitra spoken of by Sanghavadra, a commentator of Boshubandhu. Sanghavadra explained karitra as phala kshepa shakti, that is the power to draw effects. This power to draw effects, which was suggested by Sanghavadra, was transformed into a criterion of reality by Dharmakirti. Thus, Pratitya Samutpada, which was formerly offered as a soteriological theory to explain the origin of human suffering and show beings a way for the cessation of that suffering, gradually turned into a metaphysical theory providing the criterion of reality. Thank you. So the paper presenter has brought out different aspects of the doctrine of Pratitya Samutpada and how it developed since early Buddhism to its later development. The paper is open for discussion, but only two questions in all. Thank you so much for the wonderful presentation. I'm Tugudin Singh Jume, and here is my friend Sonam. We are from Serje Monastery. And first, I would like to thank you for the wonderful invitation for us. So now my question is, you presented the concept of Tibetan arising, Pratitya Samutpada, and its development over the years. So the first thing is, this is, I think, a kind of a common discussion, whether the concept of Tibetan origination, whether it's something unique to Buddhists, something unique to Buddhism schools, or is there any occurrence of the usage of the term or the meaning in any of the Vedic sutras of the text? That is the first thing. And second thing is, if it is for the Buddhist, then is it also common to all the Buddhists? So generally we have saying that the two lower schools of the Vaipashika and the Sutra schools doesn't really emphasize much on the teaching of the Tibetan arising. It's usually the Madhyamika schools, especially the Madhyamika Prasangika high school, the Nagarjunas and other great masters like Chandrakriti and so on, Shantideva, which really brought the great stress and the clear explanations of this concept of Tibetan arising. So my question is whether there is some indication of the terms and the use of the concept in the Yogacara, of course, the mind-only school, the Chittamatran schools. So is it really common, or is the explanation clearly, especially the usage of the term, merely the usage of the quotation, this existence of this brought the existence of the other? Does it really prove the concept of the teaching of the Pratitya Samutpada is
being exist in that school or not. So this is my question. Thank you. Actually, I did not bring in the discussion of Tibetan school at all. I simply mentioned the verses of Sankhapa and that of the text, the Pratitya Samutpada Stuti Shubhashita Hridayam. Because in that text, in the first three verses, he has eulogized Lord Buddha as the propounder of Pratitya Samutpada. So I have emphasized only on that thing. And the remaining parts of my paper are based completely either on the Pali Buddhist texts or on the Mahayana Buddhist texts, especially the Mula Madhyamaka Shastra. And in my paper, which has been circulated in the anthology, you will find that I have quoted from the Pratitya Samutpada Hridaya Karika and the text Ovidharma Kosha of Boshubandhu. But I did not, since I am not an expert on Tibetan Buddhism, I did not quote anything from that side. But this is completely my belief, I may be wrong, that since Chandrakirti was in his Madhyamakavataro, I think the text is, or Madhyamakaloko. Avatar. In that text, he applied the same Prasanga Paddhati. And in the Prasanna Pada commentary of the first chapter, he has followed Nagarjuna. And since Chandrakirti and Shantideva are the two masters behind the popularity of the entire Tibetan Buddhism, I think they will accept this interpretation of Nagarjuna. This is my belief. I may be wrong. Thank you for your nice questions. If there is no other question, again, thank you, Professor Chattopadhyay. There could have been more discussion, but unfortunately, we have to go to the next paper. Professor Tashit Sering S., who is the professor in this institute, so I request him to present his paper. Okay, please see at page 78. Because of shortage of time, I would like to skip a little bit later on. Analysis on authenticity of conventional phenomena. Since time immemorial, there were, are, and will be innumerable conceptual thoughts, dogmas, tenets, views, etc., regarding explaining the nature of conventional phenomena. The main reason for this is due to the absence of the authenticity of conventional phenomena. That is why each and every school, either Buddhist or non-Buddhist, claims their own system or way of seeing of phenomena is correct. Even in Buddhism, all the four philosophical schools interpret the teachings of Buddha in different manner according to their own way of thinking. Though the Buddha taught the teaching by using same terminology. Therefore, concerning the mentalities of the disciples, he taught various teachings. Otherwise, if conventional phenomena has its own authenticity, then people, especially Buddhists, would argue that Buddha is telling lie. But that is not the case, because all the Buddhist philosophical schools say that Buddha does not tell lie and his words are interpretable meaning. Why Buddha's teachings are occasionally interpretable meaning? The reason is, when people like the teachings of Buddha, they say it is literal meaning discourse not to be interpreted. While the teachings of the Buddha do not fit to their mentalities, they say it is to be interpreted. It means there is no authentic conventional truth, and it all depends on individual way of thinking. Hence, Buddha said, "Oh, bhikshus or scholars,
as you check the authenticity of gold by burning, cutting, and rubbing, correctly examine my teaching and then accept it, not because of faith. Why he said so? If there is any authenticity of conventional phenomena, then he would have said that since he became Buddha, after collecting accumulation of merit and spontaneous wisdom for three countless eons, whatever he said was only the truth, and way of thinking of people were wrong, and disciples should try their best to think whatever he said so. He said, but he did not say so. He said, if it is appropriate to your mind, then you can accept, otherwise leave it. This also shows that there is no authenticity of conventional thing. If there is any authenticity of conventional phenomena, then there would not be any debate in various schools regarding any of the phenomena taught by the Buddha. Since we see many arguments and counter-arguments between various schools, it proved that conventional things do not authentically exist, but people label them whatever they like as true and dislike as untrue. All the four Buddhist philosophical schools say that Buddha is like a physician, and he has to give the medicinal teachings according to the mental sicknesses of the patient. This also proves that there is no common perfect medical teaching curing all the mental sicknesses of the patients. Somebody might argue that if there is no authenticity of conventional things, then why people are so busy and doing hardship to collect necessary things? This also proves that there is no authenticity of conventional things. Otherwise, all the people would have only identical aim, identical job, identical method, identical likes and dislikes, etc. Suppose we take an analogy mentioned in letter to a friend that for pretas, even moon is hot and sun is cold. So how can one interpret this if there is authenticity of conventional things? Hence, there is no authenticity of conventional things. It depends on mentalities of various sentient beings. Now I would like to skip a little bit. Please see at page number 90, line 7 from bottom. So, yeah, there's one so, yeah. So, here it is very important to know about the two bodies or kayas of Buddha as stated in Uttara Tantra Shastra or Maitreyanath as follows. Beneficial for oneself and beneficial for others, an ultimate body and conventional body rely on it. It means real Buddha is Dharmakaya, natural body, as well as ultimate body, and Rupakaya, physical body, as well as conventional body is only for other sentient beings. Both Nirmanikaya, immersion body, and Sambhogikaya, complete enjoyment body, are the classification of the Rupakaya. It is well known and acceptable for all the Mahayanis that Shakyamuni Buddha is the supreme emanation Buddha, intentionally took birth as an human and acted like ordinary person in order to tempt mainly human beings, although he manifested some exalted deeds in God's realm. That is why he acted or manifested exalted deeds of holding empty bowl, going for alms begging, sometimes returning back without food, eating raw food, eating rotten peas, sometimes sleeping on uncomfortable place, pretending of having relatives and enemies, having the suffering of piercing thorn in feet at Rajgriha, having attacked using abusive words for Devadatta, buying or accepting clothes for robe, showing the limitation of lifespan up to 80 years of age, etc., etc., are not real Buddha. These are considered as not to be taken literally by Mahayanis. Otherwise, if anybody thinks above mentioned things are happened to the real Buddha, then it is very strange to admit that after attaining Buddhahood for practicing three countless eons, one has to make hardship to get food. One has to preserve fully ordained monk's vow. One has to take birth, having old age, sickness, and death. Pursuing monk's vow is virtuous action or moral conduct. So one has to admit that Buddha accumulates virtue, and if that is the case, then the consequence is he would get the result or effect of the virtuous deed in future, which means he is not freed from the net or bondage of karma or causality. If one knows how to differentiate the
characteristic, nature, manner of functioning, and so forth in authentic way between the Dharmakaya and Rupakaya, then there would not be any problem of whether or not Buddha sees, eats foods, drinks water, wears robe, resides in house, his permanent address, etc. In Madhyamika Avatara, it is stated, as long as the person has not awakened from the sleep, they are the three of object, eye faculty, and visual consciousness. When awakes, all three are not there. Awakening from the sleep of ignorance is the same. Bodhisattva Charavatara states, opponent argues, if Madhyamika says in ultimate, both Buddha and sentient beings are nirvana or empty, and cyclic existence is conventional, then even Buddha also wanders in cyclic existence through manifestation of taking birth, old age, and death. What is the benefit of practicing for Bodhi? This means after attaining Buddhahood, if one has to come in cyclic existence in the manner of taking birth and so forth, then Buddha would become similar with sentient beings. Madhyamika's response, if the condition discontinues, then even in conventional level will not show up. Furthermore, it is stated, as wish-fulfilling jewel and wish-fulfilling tree fulfill the expectation of sentient beings, in the same manner, sentient beings can see the body of Buddha by the virtue of prayers. This means due to prayers done by Buddha when he was practicing bodhisattva's activities and also the merit of individual person, the person can have the vision of Buddha. Therefore, it does not mean that after attaining Buddhahood, the Buddha is always there in some place like as stated in Madhyamika Avatara. Just as here, it is seen that a wheel, after having been forcefully caused to move round for a long time by a potter of great strength, keeps moving round, thus being the causes of vices and so on, even without effort towards this being made any more so, without efforts being made anymore. The activity of the one who resides in that very exalted body, the nature of which is truth, after having been triggered by special aspirational prayers and the virtues of living beings, is no longer imbued with intentionally. So the conclusion is that making proposition of seeing conventional truth by Buddha, having dual vision of such an object, etc., contrasts with inconceivable nature. Sarva Mangalam, thank you. So, thank you, Professor Tashi, for presenting, though in a brief way because of the time constraint, the idea of conventional truth vis-a-vis the Kaya, Buddha Kaya. So the paper is open for discussion. Good morning to everyone, and I'm Sonam from Serachi Monastery, and here Professor has written about Tanyitse Rup, or authenticity of the conventional truth, and you have written in your paper on 79 page that you said otherwise all the people would have only identical aim, identical job, identical method, identical likes and dislikes, etc. You have written like that. And I wonder that, although the topic is a very great topic for debate for many centuries between many of the scholars from different lineages of Tibetan Buddhism. And so here, I also wonder that why if there is an authenticity of the conventional truth, then why all the people are same, should be same, or should have identical thoughts, identical ways of living, and so on. And that's one question. And another question is that... I would try to answer one by one, that is better, okay? Actually, you know that my topic is especially for Tibetan scholars, okay? I know this is not familiar with other
Indian schools, I mean, this is especially Tibetan scholars or Sherpa or Tensa. You just reverse my statement, okay? I said that if there is authenticity of conviction and truth, then I said all the the aim should be identical like that one. Then why you? Then you mentioned why it is so. So just like a repetition of reversing my question. So I don't think this is a way of asking question or answer itself is there. Okay. Then another one. That means okay. The second one is related to the one first one. If you think so, then do you believe that the authenticity of the conventional truth is same to the inheritance or inherent existence of everything? Okay. This I was thinking, okay, it depends only in the terminology. According to Tibetan scholars, okay, we use the word terminology, authenticity of conventional truth, or in Tanyan Setu, but when we make investigation, it becomes similar with, I'm not saying 100%, but when I investigate, it feels like substantial exist phenomena or inherently exist phenomena. Because the main reason why I wrote this is from the perspective of Buddha himself, okay? This is my main aim. From the perspective of Buddha himself, he is not seeing any conventional truth at all. If he sees, then there is authenticity of conditional truth, and that is my main aim. You got what I'm saying? So thank you, actually. Yes. See, one thing is, the conventional truth, suppose Nyayavesh is a realist. Table is a conventional item, and it has conventional truth. Okay. Buddhism also will accept. Now this is a table. But the way one looks at this one, there is an ontological commitment in this one. But when you come back through Buddhism, back to this conventional truth, then the meaning changes. There is no ontological commitment in that case. So how do you react? Conventional truth is questionable. And questionable because this is a pratitya samutpan object and it is non-substantial. It has no substantial essence in this one. If you apply these two principles, original one, you come back to this one. But your attitude, your perspective is transformed. And as I said, that it lacks ontological commitment. So coming back to the world is a great task of the Madhyamikas, like you can say. I'm not sure whether you agree, but I think I don't find any other option. So the emphasis is that you see the meaning. Conventional before you are a Buddhist, conventional after you are a Buddhist like Madhavi. And that's why it is not the same truth. I want to add something. I'm not saying I want to respond to your question or anyhow. When we talk about conventional truth, the word is same, but according to Madhyamika tradition, the Sanskrit terminal is samvritti satya, okay? Phenomena which is well known in the world, that is considered as a samvritti satya or conventional truth. Okay, I mean, just for the sake of clarification, when you say authenticity of, what do you mean exactly? Authenticity of conventional truth. Yeah. Is it pramanya or paramarthika status? Sanskrit praman may be similar with praman. Yeah. Praman. Pramanasiti. Samvritti satya pramanasiti. According to consequently Madhyamika tradition. According to Prasangik Madhyamika tradition. That is the main topic. Yeah, Prasangik Madhyamika tradition. Now, suppose in Prasangika method, in a sense, one can say that no pramanas are accepted at all. Yeah, yeah, that's right.
So if there are no pramanas, then there is no question of samruti satya being that pramana or aprama. Yeah, that is what you wanted to say. Again, pramanas are accepted as a part of samruti, samruti satya. But what about pramanya of samruti? So you have to distinguish between the two. But why is it that there is a sense that the nyaya pramana is accepted? No, some pramanas... At that time, nyaya system of pramana was available. So some pramanas are used at samruti level. So within samruti, some pramanas are used. But the question is when you try to go beyond that and see whether on the basis of pramanas, samruti satya can be established or not. Are pramanas available to us at all from paramarthika point of view? Then perhaps madhyamikas would say that no pramanas are available. Yes. Anyway, I think we can announce lunchtime and the discussion can continue while taking lunch also. So thank you very much for giving this opportunity to me, and I thank all the speakers for giving presentations within the given time and being lucid in their presentation. So thank you. सत्र के समाप्ति पर मैं अध्यक्ष जी को प्रोफेसर गोखले जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने समय का बहुत ही समय पर नियंत्रण रखा और मैं समझ बहुत विलंब नहीं हुआ और जितने भी हमारे चार वक्ता थे प्रोफेसर हमारे प्रसाद जी और प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी प्रोफेसर मधुमिता चट्टोपाध्याय और प्रोफेसर टाशिस्त्री जी ने सब ने अपने पेपर यहाँ पढ़े और अपना अपना विचार यहाँ रखा उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ।